हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। बिजनेस स्टडी फॉर प्लस टू कॉमर्स के अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा डैट इज विल बी फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आज हम कवर करेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है और व्हाट आर दी वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन और कौन से फैक्टर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। और ये जो टॉपिक है जो स्टूडेंट्स फिनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फिनेंशियल डिसीजन के अंदर हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बिजनेस फिनांस है उसका अर्थ क्या होता है। देखो, कोई भी चाहे छोटा या बड़ा हमने बिजनेस खोलना हो, चाहे एक छोटी सी दुकान भी खोलनी हो, तो उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए। कोई भी काम जो है बिना पैसे के नहीं कर सकते। तो जब हम फिनांस की बात करते हैं तो फिनांस का अर्थ होता है कि जब भी हमें पैसे की ज़रूरत हो और हमें पैसा प्रोवाइड हो जाए। फिनांस मे बी डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि जब भी हमने कोई काम करना है तो उसके लिए हमें पैसा ही चाहिए और पैसे के बिना कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो फिनांस जो है डैट इज़ द प्रोविजन ऑफ मनी, जब भी हमें चाहिए कि हमें 1 लाख की ज़रूरत है, 1 लाख में बिजनेस सेटअप करना है तो 1 लाख का फिनांस हमें अवेलेबल हो जाए। फिनांस रेफर टू द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है देन वी रिक्वायर मनी, ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है देन वी रिक्वायर मनी, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है तो भी हमें पैसा चाहिए। तो फिनांस का मतलब होता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पैसे की प्रोविजन बनी रहे ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चला सकें। बिजनेस फिनांस का अर्थ होता है वो एक्टिविटी और प्रोसेस विच इज़ कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ द फंड्स, यूज ऑफ द फंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स बाय ए बिजनेस फर्म। जब हम बिजनेस फिनांस की बात करते हैं कि जो बिजनेस के अंदर यूज़ किया जाता है वो एक्टिविटी या प्रोसेस जिसके द्वारा हम पैसा प्राप्त करते हैं, उस पैसे को हम यूज़ कैसे करते हैं और किस तरह से उस पैसे जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसको किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो बिज़नेस फिनांस है, देखो कोई भी बिज़नेस जो है फिनांस के बिना चल नहीं सकता। फिनांस इज़ दी लाइफ एंड ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, एवरी एक्टिविटी। देखो यहाँ पे ये फिनांस है तो इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ना हम बिज़नेस को खोल सकते हैं, ना हम बिज़नेस को रन कर सकते हैं, ना हम बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैनेजमेंट है, तो जब हम बिज़नेस फिनांस को जो है प्रॉपरली हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो किसी भी बिज़नेस की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है कि क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हम फंड्स प्राप्त करते हैं, किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। जब हम फंड्स लेते हैं तो हर एक फंड के पीछे क्या है कि उसकी लागत होती है। तो वो क्योंकि जब भी हम फिनांस को लेते हैं व्हाट आर दी वेरियस सोर्सेज, तो वहाँ से हमने फिनांस को इस ढंग से लेना है ताकि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो। फिनेंशियल मैनेजमेंट, अब हमने बिजनेस फिनांस का मतलब समझ लिया है। तो जब देखो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी फॉर्म में होती हैं, जब वो फिनेंशियल मैनेजमेंट को अपने फिनांस को मैनेज करती हैं तो या उसको फिनेंशियल मैनेज कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है, या बिजनेस फिनांस कहा जाता है, या कॉरपोरेशन फिनांस कहलाता है। तो फिनांस फंक्शन से क्या है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का जन्म हुआ है। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखो पहले फिनेंशियल मैनेजमेंट का नैरो मतलब होता था, उसके अंदर क्या था कि ऑब्टेनिंग ऑफ फंड्स। वो कहते थे कि ये फिनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ जो है ऑब्टेनिंग ऑफ फंड्स है, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स। लेकिन क्या है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्टेनिंग एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि कहाँ से हम फंड्स लेते हैं उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फिनेंशियल सोर्सेज। इट डील्स विद द फाइंडिंग आउट द वेरियस सोर्स ऑफ और रेजिंग ऑफ फंड्स। द सोर्स मस्ट बी सुटेबल, इकोनॉमिकल एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द फंड्स। फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है डैट इज़ कंसर्न विद बोथ एक्वायरिंग एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या हमारे सोर्सेज हैं। अगर हम इक्विटी शेयर से लेते हैं तो इसकी ये कॉस्ट है, प्रेफरेंस शेयर से लेते हैं तो ये कॉस्ट है, लोन लेते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं तो ये है। तो यहाँ पर जो अलग अलग सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसके अंदर उनकी कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को असेस करते हैं कि जो फंड्स हमने लेने हैं जब हमने उनको अलग 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 जो है जैसे हमने पैसा अरेंज किया है, उससे हमने मशीनरी बाय की है,
फर्नीचर बाय किया है, बिल्डिंग बाय की है, वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स रखना है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये भी देखा जाता है कि फंड्स के हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, कितना हम फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कितना हम करंट एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और जो हमें वहाँ से फंड्स मिलते हैं कितना हम शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डैट इज़ कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द फंड्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो जो फ्लो हो रहा है, जो फंड्स वेरियस सोर्सेज से आ रहे हैं उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। और यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं अलग अलग सोर्सेज से जब हम फंड्स प्राप्त करते हैं तो उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, किस तरह से हमने फंड्स को इन्वेस्ट करना है और किस तरह से जो इनकम जनरेट होती है वहाँ पे हमने डिविडेंड का डिसीजन लेना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है डैट इज कंसर्न विद द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड डैट डील्स विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे है कि हमने जब वेरियस सोर्सेज हैं तो हमने नेचुरली इस तरह से प्राप्त करना है कि ओवरऑल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, और फंड्स दे हैव टू बी प्रोक्योर्ड एट द लोएस्ट कॉस्ट। और यहाँ पे हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो हमने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ले लिया तो भी प्रॉब्लम, और अगर हमने कम ले लिया तो भी प्रॉब्लम, तो हमारे पास सफिशेंट फंड जो है होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफाइंड बाय द मैसी डैट इज़ द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस डैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड विच आर नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिजनेस के अंदर हमारी टोटल रिक्वायरमेंट क्या है और उन फंड्स को हमने प्राप्त कैसे करना है और उन फंड्स को हमने यूटिलाइज कैसे करना है। और यहाँ पे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस देखते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने एक आधी डेफिनेशन याद कर लेनी है। देखो जो कॉर्पोरेट फिनांस है इसका स्कोप बहुत वाइड है, क्योंकि बिगनिंग से लेके जब हम बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, इवन जब हम कंपनी को ख़त्म करते हैं तब भी हमें फिनांस चाहिए। तो कॉर्पोरेशन फिनांस की जब हम बात करते हैं तो डैट डील्स विद द फाइनेंशियल प्लानिंग, कि जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं कि हमें टोटल फंड्स कितने चाहिए, फिर हम फंड्स को प्राप्त कैसे करते हैं, उसको एलोकेशन कैसे करते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं, और उसके ऊपर हम कंट्रोल कि हमने इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है या नहीं किया है, उसकी हम फाइनेंशियल एवेल्युएशन कैसे करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द फिनांस फंक्शन, द एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिवोटेड टू ए जुडिशियस यूज़, कि यहाँ पर जो भी हमने सोर्सेस लेने हैं बहुत सोच समझ के लेने हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स सो डैट शेयर होल्डर्स वेल्थ कुड बी मैक्सिमाइज्ड। अब हम देखते हैं कि वाई डू वी रिक्वायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फिनांस फंक्शन है, क्योंकि सारी एक्टिविटी यहाँ से ड्राइव होती है। पैसे के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हम बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड तो रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके अंदर फिनांस आता है। तो चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड है, एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टिल इट रिक्वायर फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पे हम देखते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि हमें टोटल फंड्स कितने चाहिए, और जो हमारा डिसीजन है कि हमने इतने फंड्स लेने हैं, इस सोर्स से लेने हैं, इस तरह से यूज़ करना है, तो फाइनेंशियल डिसीजन जो है हमारे जस्टिफाइड होने चाहिए। और जो फाइनेंशियल कंट्रोल है उसके द्वारा हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है और प्रॉपर हमें रिटर्न जनरेट हो रही है। और यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना और इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट सेविंग को प्रमोट करना और देश के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन को इन्हांस करना। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी फीचर्स और व्हाट आर दी नेचर ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो ओवरऑल मैनेजमेंट का ये इंटीग्रल पार्ट है, बिना फिनांस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिनांस इज द नर्व सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। फाइनेंशियल डिसीजन जो है उसके ऊपर होता है कि हम फर्म की वैल्यू को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसके रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे रिस्क और रिटर्न जो है उसके अंदर भी हमें बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा रिटर्न है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर रिस्क और रिटर्न को जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, और ये
जो बिजनेस फिनांस के अंदर हम फंड्स की किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, कौन से सोर्सेज से लेते हैं, ये हमारी सर्वाइवल, ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसी तरह जब हम फिनांस फंक्शन, इन्वेस्टमेंट, रेजिंग ऑफ कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये हर फर्म के अंदर जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसको हम दूसरे सिस्टम, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर जैसे प्रोडक्शन है तो वो तभी प्रोड्यूस कर पाएगा जब रॉ मटेरियल आएगा, और रॉ मटेरियल फिनांस से आएगा, तो हर फंक्शन इसी के साथ जुड़ा होता है। और फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि एक बार हमने फंड्स ले लिए उसके बाद हमने फंड्स की ज़रूरत नहीं होती, फंड की ज़रूरत हमें हर लेवल पर होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है, फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पहले असेस करती है कि हमें इतने फंड्स की ज़रूरत है, और वो देखते हैं कि ये सोर्सेज है, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि किस तरह से हम इसको फिक्स एसेट के अंदर, करंट एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उससे मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। और यहाँ पे जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है कि फंड्स को हम इस ढंग से यूटिलाइज करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इन्हांस हो। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू जो है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लिंक होती है, तो फर्म की वैल्यू भी इन्हांस होती है। और देखो यहाँ पे हमारे पास किस तरह के रिसोर्सेज हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, मनी मार्केट की कंडीशन क्या है, कैपिटल मार्केट की कंडीशन क्या है, बिजनेस जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्स है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी वन ऑफ द फैक्टर है, बट अदर डियर थिंग्स भी हैं जो उसको मैटर करती हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब हम फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं तो दे शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ एंड सिक्योर एसेट, कि ये नहीं है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर या अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर हमने फंड जो है उसको यूज़ नहीं करना, तो वहाँ पे फंड्स की जो है वैल्यू कम हो सकती है। तो यहाँ पे हमने ये भी नहीं है कि जो फंड्स है उसकी फंड्स हमने इकट्ठे कर लिए बट उनको हमने प्रोडक्टिव एसेट के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, तो नेचुरली वो भी क्या है कि हमारे फंड जो है आइडल पड़े रहेंगे, निकम्मे बढ़े रहेंगे, जिनके हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं की। तो यहाँ पे हमने फंड्स की भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। अब हमारा जो टॉपिक था डैट वाज द मीनिंग ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, साथ साथ फिनेंशियल डिसीजन। फिनेंशियल डिसीजन के अंदर क्या है कि जो बिजनेस के फिनेंशियल मैटर के साथ रिलेट करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। शेयर होल्डर की वेल्थ तभी मैक्सिमाइज हो जाती है जब उनके आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स होते हैं उनकी प्राइस जो है मार्केट प्राइस इन्हांस होती है, तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो जाती है। तो एफिशिएंट फिनेंशियल डिसीजन जो है शेयर की प्राइस को इन्हांस करते हैं, और अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं तो वो शेयर की प्राइस को कम कर देते हैं। तो जब हम फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर तीन एरियाज होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है एंड डिविडेंड डिसीजन है। तो यहाँ पे ये फिनेंशियल डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट, फिनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें टोटल इस तरह की जो है एसेट चाहिए, और ये एसेट का कॉम्पोजिशन क्या है और इसके अंदर बिजनेस रिस्क क्या है, वो सारी चीज़ों को हम असेस करते हैं। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं तो उसके अंदर हमें फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है। दो तरह के हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है, एक वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है। वर्किंग कैपिटल को हम दूसरी स्लाइड पे करेंगे, तो यहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कह सकते हैं। यहां पे क्या होता है कि पैसा हम एक बार स्पेंड करते हैं लेकिन उस एसेट का बेनिफिट हम कई सालों के लिए लेते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो ये सारी चीजों का बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिनको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं, यहाँ पे जब हम फंड्स इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो यहाँ पे फिक्स एसेट के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं जो कि हमें लंबे समय के लिए बेनिफिट देती है, पैसा हमें एक बार खर्च करना पड़ता है। तो ये बहुत ही जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है, क्योंकि जो भी हमने डिसीजन लिया है कि फिक्स एसेट के अंदर हमने इन्वेस्ट करना है, और उसी के बेसिस पे हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो होती है जनरेट और इन्फ्लुएंस होती है। और ये जो डिसीजन है बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, और जब हमने एक बार डिसीजन ले लिया तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन जो है बहुत ही सोच समझ के हमें असेस करके जो है लेना चाहिए।
और वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है, देखो अगर हमने बिजनेस के अंदर सब कुछ फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो बिजनेस को रन कैसे करेंगे, डे टू डे रनिंग के लिए भी वी रिक्वायर फंड्स, हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, मशीनों के लिए ऑयल परचेज करना है, जो हमने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं उनको हमने सैलरीज देनी है, और अगर हमें लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे हमने कैश भी इन्वेस्ट करना है, और हमने बिजनेस के अंदर जो है स्टॉक भी मेंटेन करना है। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, तो यहाँ पे हमने करंट एसेट के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कितना कैश रखना है, कितना स्टॉक रखना है, क्रेडिट पे सेल कितनी करनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम डिटरमिन करते हैं, और ये डे टू डे हमारी वर्किंग को, लिक्विडिटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करती है। और अगर हम अच्छे ढंग से अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हैं तो उससे हमारी कैश मैनेजमेंट सही रहती है, रिसीवेबल मैनेजमेंट जो हमने क्रेडिट पे दिया है राइट टाइम पे उन पे लेते हैं, ऑप्टिमम इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है कि हम उतना ही इन्वेस्ट करते हैं जितनी रिक्वायर्ड होती है, ना हमारे पास ज़्यादा इन्वेंट्री, मतलब क्योंकि अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर सोच समझ के नहीं करते तो हमारे पास ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा तो ज़्यादा पैसा उसमें ब्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम बॉदर करते हैं कि कितना हमने फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, कितना हमने करंट एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर हमने फिक्स एसेट के अंदर कर लिया तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं रहेगा, और अगर हमने वर्किंग कैपिटल के लिए ज़्यादा रख लिया तो फिक्स एसेट नहीं क्रिएट की तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है जनरेट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ये सारी चीज़ों को जो है ध्यान रखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फैक्टर जो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक तो देखो जो मशीनरी है, जो फिक्स एसेट के अंदर हमने पैसा लगाना है वो पैसा ह्यूज होता है, तो जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर इस मशीनरी के अंदर हम पैसा लगाएंगे तो इसमें आउटफ्लो कितना होगा और ये मशीनरी हमें रिटर्न कितनी प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो को हम स्टडी करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है और रेट ऑफ रिटर्न क्या है, अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमें वी शुड गो फॉर इट। तो उसी तरह इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर हम और चीज़ें भी देखते हैं कि मार्केट के नज़दीक कितनी है, रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना है, लेबर कितनी अवेलेबल है, तो अदर चीज़ों को भी हम जो है इसके साथ असेस करते हैं। और उसी तरह देखो जो फिनेंशियल डिसीजन है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें टोटल फंड्स इतने चाहिए, इतना हमने फिक्स एसेट के अंदर लगाना है, इतना हमने वर्किंग कैपिटल के लिए लगाना है। तो फिनेंसिंग डिसीजन आर द डिसीजन अबाउट द क्वांटम ऑफ द फिनांस डैट हैज़ टू बी रेज फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, हाउ मच टू बी रेज फ्रॉम द ईच सोर्स। तो यहाँ पे फिनेंसिंग के अंदर हमारे पास क्या है कि टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो यहाँ पे हमने असेस करना है कि कौन कौन से सोर्स हमें अवेलेबल हैं और उस सोर्स की क्या कॉस्ट है, तो किस तरह से हमने इस सोर्स से इतना लेना है, दूसरे सोर्स से हमने इतना लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक ऑनर्स फंड्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम शेयर इशू, इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, अगर हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जो हमारा रिटेन प्रॉफिट है, जो हमने शेयर होल्डर को नहीं पे किया उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फंड्स होते हैं परमानेंट बेसिस पे होते हैं, यहाँ पे हमें कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, अगर हमने इक्विटी शेयर के द्वारा रेज किया है तो वहाँ पे डिविडेंड देने की भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। बॉरोड फंड जो होते हैं डिबेंचर्स की फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन की फॉर्म में ले सकते हैं, ये लाइबिलिटीज होती हैं, इनके ऊपर क्या होता है कि इंटरेस्ट हमें लीगली देना पड़ता है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट है या नहीं है, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ही पे करना है। बट इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर इंटरेस्ट जो है ये एक डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर सकते हैं, तो जिससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, फिनांस मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि कितना हिस्सा इक्विटी से लेना है, इक्विटी का मतलब ऑनर के फंड से लेना है, और कितना हिस्सा जो है डेट से लेना है। फिनांस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड हाउ मच फंड फ्रॉम बॉरोड सोर्सेज एंड फ्रॉम दी ऑनर सोर्सेज। ऑनर फंड जो होते हैं परमानेंट बेसिस पे होते हैं, बट अगर हम ज़्यादा ऑनर सोर्सेज से लेंगे तो जो ऑनर्स हैं उनका कंट्रोल डिल्यूट हो जाता है। बॉरोड फंड से क्या होता है कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम होती है, अगर बिजनेस स्टेबल है, अर्निंग स्टेबल है, तो बॉरोड फंड लेने से बेनिफिट होता है। बट अगर बिजनेस लॉसेज के अंदर है, अर्निंग स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पर ऑनर फंड जो है ज़्यादा सुटेबल होते हैं। तो फिनांस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड कि कितना ऑन फंड से लेना है और कितना बॉरोड फंड से लेना है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स हैं, देखो यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन के हमारे पास क्या है कि इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हमने पैसा खर्च करना है,
और उन कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा। और उसी तरह अगर हम अलग अलग सोर्सेज से उनकी कॉस्ट की कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है कि ओवरऑल कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो जाए। और उसी तरह जब हम जो है फाइनेंसिंग डिसीजन है तो उसके अंदर हम बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क को भी देखते हैं कि बिजनेस की वायबिलिटी कितनी है, बिजनेस को जब हम रन करते हैं तो क्या हमें ये सफिशिएंट रिटर्न जनरेट करेगा। फिनांसिंग होते कि अगर हमने बॉरोड फंड किए हैं तो क्या हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी, तो उससे हमारे ऊपर क्या बर्डन रहेगा, क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होंगे, तो ये सारी चीज़ों को हम असेस करते हैं। और उसी तरह जब हम इक्विटी शेयर्स लेके आते हैं, प्रेफरेंस शेयर लेके आते हैं या डिबेंचर्स लेके आते हैं, तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ब्रोकर का कमीशन, अंडरराइटर का कमीशन, जो हम सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पब्लिश करते, प्रिंट करवाते हैं, उन पर खर्चा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है। और उसी तरह देखो, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें ओनर फंड जो है यूज़ करने चाहिए। बट अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो हमें बॉरोड फंड जो है यूज़ करना चाहिए। और उसी तरह ही देखो जो फैक्टर्स हैं, कंट्रोल कंसिडरेशन, कंट्रोल भी देखो सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे तो उसमें डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और अगर हम बॉरोड फंड लेते हैं तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं होती। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को असेस करते हैं। और कैपिटल मार्केट के अंदर भी हम देखते हैं कि कहाँ पे हम कैपिटल मार्केट जो है वहाँ पे जो लोग हैं, बूम है, डूम है, वो सारी चीज़ों को हम असेस करते हैं। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या है, क्योंकि अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो उस पर क्या होता है कि हमें पहले जो प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद जो बचता है प्रॉफिट उसके बाद हम शेयर होल्डर को देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बॉरोड फंड है और अगर हमारे प्रॉफिट्स स्टेबल हैं तो वहाँ पर बॉरोड फंड से क्या होता है कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम होती है, क्योंकि बॉरोड फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि प्रॉफिट कम हो जाता है और उसके ऊपर हमें टैक्स भी जो है देना पड़ता है। तो अर्निंग पर शेयर, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इक्विटी से लेते हैं तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर बढ़ जाता है, तो अर्निंग पर शेयर जो है कम हो जाती है। जब हम बॉरोड फंड को इक्विटी के साथ यूज़ करते हैं तो उसको फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। तो उसी तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी असेस करते हैं। फिर हम रेगुलेटरी फाइनेंस को भी देखते हैं कि उसके ऊपर क्या कंडीशन है, कि कितना हम बॉरोड फंड ले सकते हैं और कितना हमें इक्विटी फंड से ले सकते हैं। डिविडेंड डिसीजन का अर्थ होता है कि नेचुरली देखो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अब शेयर होल्डर को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना पार्ट हमने रिटेन करना है और कितना पार्ट जो है हमने शेयर होल्डर को देना है। तो यहाँ पे जो फैक्टर करते हैं, एक तो देखो अर्निंग जो है वो डिपेंड कर अमाउंट और ट्रेंड के, हमारे पास जो अर्निंग है उसका अमाउंट क्या है और पास्ट में हमने क्या दिया है, और जो लीगल फ्रेमवर्क होता है उसको भी फॉलो करना पड़ता है कि जो प्रॉफिट हमने डेप्रिसिएशन दे के निकाला है और जो डिविडेंड हम पास्ट एंड जो प्रेजेंट प्रॉफिट होता है उसमें से दे सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे असेस करनी पड़ती हैं। अगर हमारी स्टेबल अर्निंग है तो उसके अंदर हम ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं, बट अगर अनस्टेबल फ्लक्चुएट करती हैं तो हमें लो डिविडेंड देना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो फंड्स को ज़्यादा रिटेन करना चाहिए, कम डिविडेंड देना चाहिए। और उसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो पोजिशन स्ट्रॉन्ग है तो ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। और उसी तरह देखो शेयर होल्डर की प्रेफरेंस क्या है, कुछ इक्विटी शेयर्स होते हैं जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं जिनको फिक्स्ड रेट ऑफ जो है डिविडेंड चाहिए ही चाहिए होता है, कुछ लोग जो ये यंगर जनरेशन होती है वो रिस्क में होता है, उनको होता है कि हमें जो इक्विटी शेयर है उसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो टैक्सेशन जो है वो भी नेट अर्निंग को इफेक्ट करते हैं, हाई टैक्स रेट है तो नेचुरली नेट अर्निंग कम हो जाएगी जिससे हम कम डिविडेंड दे सकते हैं। लीगल कंस्ट्रेंट जैसे मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश, जो भी लीगल प्रोविजन कंपनी एक्ट की एप्लीकेबल होती है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। स्टॉक मार्केट के रिएक्शन भी देखने पड़ते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा डिविडेंड पे करती है तो शेयर की प्राइस के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, और अगर लो डिविडेंड देती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं असेस करनी पड़ती हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल डिसीजन है ये आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये तीनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो वो फाइनेंस के बिना नहीं ले सकते, फाइनेंस का डिसीजन जो है वो डिविडेंड डिसीजन से भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर हमने शेयर होल्डर को ज़्यादा दे दिया तो हमारे पास फाइनेंस खुद कम बचेगा तो हमें और सोर्सेज से लेना पड़ेगा। तो एक एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमें देखनी पड़ती है कि जो हर एक डिसीजन को एवेलुएट कर सके और देख सके कि शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ से
एक तो क्या है कि देखो रिटेन अर्निंग जो है सबसे चीपेस्ट सोर्स है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के पास जो प्रॉफिट इससे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता वो बड़ा होता है। और उसी तरह क्या होता है कि अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमने पुरानी मशीनरी की जगह पे न्यू लेना है तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। और अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, टैक्स रेट जो है इंक्रीज हो जाता है, तो उससे डेट जो होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी ज़्यादा सस्ता हो जाता है। और जिन कंपनी के अंदर हाई ग्रोथ पैटर्न होता है तो उनको लो डिविडेंड पे करना चाहिए, ज़्यादा रिटेन करना चाहिए। फाइनेंशियल लीवरेज होता है कि कितना हम इक्विटी के साथ डेट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो तभी बढ़िया होता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होती है कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा होती है। हाई डेट इक्विटी रेशियो का जो मतलब होता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, जब हम डेट का पोर्शन ज़्यादा लेते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है कि कल को हमारे पास प्रॉफिट नहीं है बट इंटरेस्ट हमें लीगली पे करना पड़ेगा। हाई डिविडेंड पर शेयर जो होता है उसका अर्थ होता है कि अर्निंग बहुत ज़्यादा है, कैश फ्लो भी है कंपनी के पास, अर्निंग भी स्टेबल है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लो है।